हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक तरह की जांच है, इसके बारे में जानेंगे। एक तो किसको एडवाइस करी जाती है, कितना समय लगता है, कौन करता है, कितने पैसे में होती है, कराते समय आपको क्या सावधानी रखना है, इसके क्या रिस्क होते हैं, राइट, किन किन बीमारियों में कैसा कैसा इसमें दिखता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन आजकल जो पेट की बीमारियाँ होती हैं, चाहे आहार नली की हो चाहे पेट की हो, उसमें कोई अल्सर है, ग्रोथ है, किसी को खाना नहीं पच रहा है, इनडाइजेशन है, ब्लीडिंग हो रही है, इन सब बीमारी के लिए कराई जाती है अमूमन। सो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये सारा प्रोसीजर करते हैं। सो दोस्तों, आइए एंडोस्कोपी के बारे में जानते हैं। ये अपर GIT का एंडोस्कोपी है, मतलब कि मुंह के हिस्से का, जो गले का, फिर उसके अलावा ये ईसोफेगस, आहार नली, ये स्टमक और छोटी आंत का कुछ पोर्शन, डियोडेनम और जिजनम, इतने के अंदर क्या गड़बड़ है उसको देखने के लिए ये एंडोस्कोपी की जाती है। तो इंडिकेशन मतलब कि क्यों किया जाता है, तो पेट के अंदर कोई अल्सर है, कोई ग्रोथ है, कोई गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, कोई ब्लड आ रहा है, डायरिया हो रही है, कब्ज हो रही है, इस तरह के इंडिकेशन, या लंबे समय से कोई को पेट दर्द बना हुआ है, खून की उल्टी आ रही है, गैस्ट्राइटिस नहीं ठीक हो रही, उस केसेस में ये एंडोस्कोपी की जांच अमूमन एडवाइज करी जा सकती है। जैसे अपर GI एंडोस्कोपी है, वैसे जब स्टूल के रास्ते से किया जाता है रेक्टम से, तो इसको हम लोग कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे आप देखेंगे TV का मॉनिटर लगा हुआ है, ये एंडोस्कोप है, ये फ्लेक्जिबल, इसके अंदर कैमरा रहता है और लाइट का सोर्स रहता है। यहाँ पे ये देखिए, लाइट है, कैमरा है, और इसमें मॉनिटर में देखते रहते हैं और मुंह में डाल के अलग अलग लोकेशन से, तो हमारे कोई छाला पड़ा है, कोई गठान है, कोई ग्रोथ है, वहाँ से ले लिया, और साथ में इस इलाज के भी काम आता है। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग हम बंद कर सकते हैं, और अगर कहीं ग्रोथ है तो उससे एक टुकड़ा ले सकते हैं, उसको बायोप्सी बोला जाता है, तो ब्लीडिंग भी बंद करी जा सकती है और बायोप्सी का टुकड़ा भी ले लिया सकता है। ऐसे ही कोलोनोस्कोपी जो यहाँ से की जाती है, स्टमक रेक्टम के रास्ते से, कोलन के रास्ते से, और एक इसी में ERCP भी करके होता है। ERCP वो अलग है, वो पेंक्रियाज, गाल ब्लैडर की बीमारी देखने के लिए करी जाती है, राइट। सो ये हो गया अपर GI एंडोस्कोपी। अब बात करते हैं इसके लिए क्या सावधानी रखना है, आपको क्या सावधानी रखना है करवाने से पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे नील ओरली 6 से 8 घंटे का फास्ट होना चाहिए, 6 से 8 घंटे का कुछ खा के नहीं आना है, राइट। और दूसरा, गैस पास करने के लिए भी दवाई दी जाती है कि पेट के अंदर ज़्यादा गैस नहीं हो, तो गैस की दवाई दी जाती है। मेन चीज़ पेशेंट के लिए दो चीज़ यही है। जब आप प्रोसीजर है, प्रोसीजर अमूमन ये कोई हॉस्पिटल में होगा या ऐसी OPD में होगा जहाँ पे इमरजेंसी डील करने के लिए व्यवस्था हो, और लगभग 20 से 30 मिनट्स लगते हैं पूरा प्रोसीजर करने में। करने वाले गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट होते हैं या तो सर्जन होते हैं, गैस्ट्रिक सर्जन, ये दो लोग करते हैं, स्पेशल प्रोसीजर है, सब डॉक्टर इसको नहीं कर पाते। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूं कि कितने में होता है, तो अलग अलग शहर के हिसाब से रेट है, पर 200 रुपये आप कॉमन रेट मानो, 500 ज़्यादा और 500 कम, 200 ऑन एवरेज है। करते समय कोई सीडेशन कई बार दे देते हैं, दवाई की नींद आ जाए, जिसको ज़्यादा अप्रिहेंशन लग रहा है तो चाहे कई बार बिना सीडेशन के भी कर सकते हैं। तो ये एंडोस्कोपी की जांच हो गई। इसके अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि इसके कॉम्प्लिकेशन या रिस्क, क्या रिस्क होता है एंडोस्कोपी कराने से, तो अमूमन काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। रास्ते में अगर छाला वाला है तो वहाँ टच हुआ तो ब्लीडिंग होने के चांस रहता है। सो अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक ही है कि ब्लीडिंग हो जाए अगर रास्ते में छाला है, दूसरा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और चोट लग सकती है ट्रॉमा होने से, कि इरोजन वगैरह हो सकता है, इरोजन या अल्सर बन सकता है। ये बहुत डिपेंड करता है कि कितने एक्सपर्ट हैं करने वाले उस पर है, अमूमन ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। ये हमने सब कुछ रिस्क देख लिया, इंडिकेशन देख लिया, प्राइस देख ली, कौन करता है, कितने देर में करता है, राइट। सो मेन जैसा कि इंडिकेशन समझ में आ गया कि अगर किसी का पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी, छाला, गैस्ट्राइटिस, ये सब दवा लेने के बाद नहीं ठीक हो रहा है, वजन कम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, उल्टी आ रही है, उसको ये एंडोस्कोपी कराई जाती है। आजकल ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, बहुत मतलब
काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है इससे, बायोप्सी की जा सकती है, थेराप्टिक में काम आता है। सो थैंक यू सो मच।